भावनाओं में बहने का कोई फायदा नहीं है बहू। अगर सचमुच हम इस बच्चे की खुशी चाहते हैं तो हमें इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। ठीक है बापूजी, पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कीजिए, इसे तैयार करके आती हूँ। ठीक है। साथ था खुशी का। दया भाभी, आप उदास मत होइए। देखिए खुशी जा रही है, इसका पूरा हमें भी लग रहा है, पर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो खुशी के अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। दया मम्मी, आप लोग खुशी को क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाइए ना प्लीज। हाँ प्लीज दया आंटी, प्लीज उसे मत ले जाओ, उसे हम अपने पास ही रख लेते हैं ना। हम उसका ध्यान रखेंगे ना। बच्चों जिद नहीं करते, खुशी को ले जाने दो। पर दादाजी आइए, बैठ जी, बैठ जी। रोकिया, रोकिया। टप्पू के पापा ये बहुत रो रही है। एक
बार हाथी भाई के पास लेके जाते हो प्लीज, एक बार इसे कोई तकलीफ हो रही है। ना ना ठीक है छोटी, जीप घुमा ले। हाँ जी डॉक्टर। वापस क्यों आ गए? चलो आराम से, आराम से। वापस क्यों आ गए खुशी को लेके? वो बाहर गए तो खुशी जोर जोर से रोने लगी थी, मुझे लगता है इसे जरूर कुछ हो गया है। हाथी भाई अब जरा देखे ना इसे क्या हुआ है। दया भाभी खुशी तो बिल्कुल शांत है, ये तो हंस रही है। खुशी दया भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में खुशी चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, देखिए बिल्कुल चुप हो गई है। अरे हाँ ये तो शांत हो गई। के पापा, बापूजी ये शांत हो गई। अब लोग कुछ समझे? क्या? अरे हम खुशी को सोसाइटी के बाहर लेकर गए तो ये रोने लगी थी, और जब सोसाइटी में लाए तो ये शांत हो गई। मतलब ये हमें कहना चाहती है कि इसे यही रहना है। मैंने देखा हाँ? दया ऐसा कुछ नहीं है। नहीं टुपू के पापा ऐसा ही है। दया ऐसा कुछ नहीं है दया। चलो चलो जी दया बाबू जी चलते हैं। हाँ, हाँ, चला, बैठ। God, you know what? I don't think she wants to go from here. हाँ। लगता है जैसे हमें खुशी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, वैसे ही खुशी को हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। माधवी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अपनी भावना पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए ना, हम सबके साथ ये भी उदास हो गई। ये हमारे साथ गोकुल धाम सोसाइटी में रहना चाहती है। दया भाभी प्लीज समझ रहे की कोशिश कीजिए, हम लोग भी यही चाहते हैं खुशी हमारे साथ रहे, लेकिन हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुशी के भले के लिए कर रहे हैं। सही प्लीज, बात है। प्लीज चलिए प्लीज। हाँ दया भाभी प्लीज। हाँ, बैठ बैठ बैठ, आजा आजा। चलो भाई छोड़ो। ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटी बच्ची जैसे ही जीप चलती है हवा लगती है और रोने लगती है। अब देखिए जीप बंद हो गई तो इसने भी रोना बंद कर दिया। हाँ पर जीप तो चलानी ही पड़ेगी ना, बंद जीप में पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? अरे पर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, अभी तो जीप बंद है फिर भी इसका रोना चालू ही है। इसकी बात समझिए ना, ये जाना नहीं चाहती है। थोड़ी भाई ले जाओ जीप वापस ले लीजिए ना, रो रो कर ये आधी हो जाएगी। देखिए इस वक्त इसको ले जाना ठीक नहीं है, रो रो के इसका बुरा हाल हो रहा है। दया भाभी देखिए ना, पुलिस के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। दया भाभी मैं तो सर पुलिस स्टेशन बाद में जाएंगे, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। टप्पू के पापा प्लीज ले ले छोटी जी वापस ले ले। हाँ मैं लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं?
क्या हुआ बहू? हम लोग बाहर गए ना तो फिर से खुशी जोर जोर से रोने लगी, इसलिए अभी खुशी को बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। आप मानो या ना मानो, खुशी यहाँ हमारे पास रहना चाहती है। पर भाभी अभी तो खुशी हंस रही है। खुशी? हाँ। बड़ी अजीब बात है। एक्चुअली सही बात ये है कि खुशी की भावना भी हम सब से जुड़ गई है। वो भी हमारी तरह हमसे दूर जाना नहीं चाहती है ना। वो का है। चलिए ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखिए बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन उनको अपनी बात बताने का अपना तरीका होता है। खुशी रो रो कर हमें ये कहना चाहती है कि वो यही रहना चाहती है गोकुलधाम सोसाइटी में, और यही हमें समझना है। हाँ बराबर बोल रही थे आप भाभी। देखिए हम खुशी को पुलिस स्टेशन ले जाने का प्लान ड्रॉप करते हैं प्लीज। या राइट। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग ऐसे भावनाओं में नहीं बह सकते। दया भाभी पुलिस को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जल्दी से जल्दी। सही बात। पर क्या खुशी की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं मेहता साहब? खुशी भगवान के मंदिर से मिली है, खुद भगवान ने हमें इसकी जिम्मेदारी दी है। दया भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ। भीड़ो भाई मेहता साहब आप बात समझ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। आप दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, हमें इसे लेकर नहीं जाना चाहिए प्लीज। दया भाभी इस वक्त हमें दिल और दिमाग दोनों से सोचना है। आप अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि हमें पुलिस के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए शिव मंदिर के पास तो कितने लोग गुजरे होंगे लेकिन मुझे ही क्यों खुशी के रोने की आवाज सुनाई दी? क्यों फकीर बाबा ने मुझे ही कहा कि मुझे कुछ मिलने वाला है? क्यों खुशी मुझे ही मिली? क्यों मेरी प्रार्थना से नाग देवता चले गए? क्यों मुझे ही खुशी को यहाँ घर पर लेने का विचार आया? क्योंकि ये सब भगवान करवा रहे थे। करेक्ट मम्मी। भगवान की इच्छा थी। अब क्या हम लोग भगवान से भी बड़े हो गए कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें? और खुशी भी यही चाहती है, इसीलिए तो दोनों बार गोकुलधाम से बाहर जाते ही ये रोने लगी। हाँ तारक ये बात सही हो सकती है। अब आप ही निर्णय लीजिए, अब जो कहेंगे वो मान लूंगी। चाचा जी पुलिस स्टेशन तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा? अरे किधर का बच्चे क्या? हाँ चाचा जी मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड टेक सम मोर टाइम, पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमको भी हमें कानून की मदद करनी चाहिए। एक मिनट सुनो, सब लोग सुनो, सब शांत हो जाओ। त
फैसला हो गया, खुशी यहीं रहेगी। लेकिन चाचा जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करेगा। कैसे समझाएं इनको? ले बहू, इसे ऊपर ले जा। अभी यहीं रहना। चलो हम लोग भी चलते हैं। हाँ हाँ, ताकि खुशी आराम कर सके। चलो आओ। चलो 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 चलो, मैं भी अपनी दुकान पे जाता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल, तुम तो रुको भाई। अभी रुक क्या, क्या फायदा मेहता साहब, बापूजी ने कह दिया ना खुशी यही रहेगी, और सब लेडीज और बच्चे भी यही चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जेठालाल, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा ना। सही बात है। क्या समझाएंगे भिड़े, सच कहूँ तो मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है, और जैसे बापूजी ने कहा अभी इस विषय पर चर्चा नहीं करते, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अरे अरे जेठा, कमाल है, जेठालाल भी चला गया। खैर सब चले गए तो मेरे ख्याल से हमें ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन मेहता साहब, अगर जो हम पुलिस में इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो खुशी के पेरेंट्स को ढूंढेंगे कैसे? यार मुझे लगता है कि हमें पुलिस में इन्फॉर्म किए बगैर ये पता करना पड़ेगा कि पुलिस में किसी ने बच्ची खो जाने की रिपोर्ट की है कि नहीं। राइट है पिडू, एक आदमी है जो हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। कौन? कौन है? पोपटलाल। हाँ पोपटलाल, तुम स्वयं पोपटलाल, तुम पत्रकार हो भाई। एक आम आदमी अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछे कि कोई आपके पास आज ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या, किसी बच्ची के खोने की या कोई गुमशुदा की, तो पुलिस वाला जवाब नहीं देंगे, क्यों बताएंगे हमें। लेकिन अगर पत्रकार जाके पूछे कि भाई ऐसी कोई खबर है क्या या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या, तो तुरंत बताएंगे। और पोपटलाल तुम एक पत्रकार हो, और बतौर पत्रकार अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछोगे तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। तुम्हारी बीट भी तो क्राइम रिपोर्टिंग है ना। जी, और वैसे भी पत्रकार तो कहीं भी जाके कुछ भी पूछ सकता है। और जब तुम जाके अपने अंदाज में कहोगे मैं गोल्डन क्रो विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, आपसे खबर के सिलसिले में जानकारी चाहता हूँ कि किसी गुमशुदा की रिपोर्ट आपके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है क्या, किसी बच्ची के खोने की कोई रिपोर्ट आपके पास है क्या, फिर तो पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है। सही बात है। वाह मेहता साहब वाह। हाँ पोपटलाल, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बाबू, तू कुछ भी कर सकता है सिवाय शादी के। छोड़िए। मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़िए भाई, ये मजाक छोड़ो भाई। अभी पोपटलाल ये सब छोड़ो, तुम तो तुरंत पुलिस स्टेशन निकलो। अगर खुशी के माँ बाप ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है तो हमें पता चल जाएगा और खुशी को उसके माँ बाप मिल जाएंगे। सही बात है। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, आपने इस नाचीज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। अब आप देखिएगा पुलिस स्टेशन जाकर मैं कैसे धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। पोपटलाल, बाकी जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन निकालना, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, खुशी के माँ बाप ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है नहीं? हाँ बाबू, करेक्ट है करेक्ट। चल अभी क्या, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल। नहीं नहीं सोड़ी, मैं जाकर आता हूँ, तू रहने दे भाई, मैं अकेला ही काफी उनकी दुनिया हिलाने के लिए। ओ काफी, वहां पे जाके दुनिया नहीं हिलानी है पोपटलाल, आइडिया से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सोड़ी तुम रहना इसके साथ। सही बात है पोपटलाल, सोड़ी को साथ ले जाओ और तुम्हारे ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। मतलब एक से भले दो। हाँ। चल 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 सोड़ी तू भी साथ चल। हाँ। चल चल आ जाओ। ओके जी ओके। तो वही तो इम्पोर्टेंट है, किसकी बच्ची है, हम लोग कैसे रख सकते, समझ नहीं रहे। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए दोस्तों या कुछ और, लेकिन है तो चमत्कार। देखिए सिर्फ एक रात बिताई है खुशी ने गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन एक रात बिताने के बाद गोकुलधाम से बाहर निकलती रोना शुरू कर दिया, जैसे हमें हमारे रोने की भाषा में यह समझाना चाह रही हो कि वो गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर नहीं जाना चाहती। संभव है, ये गोकुलधाम सोसाइटी है दोस्तों, जिस तरह आप गोकुलधाम से जुड़े हुए हैं शायद खुशी भी इस तरह से जुड़ गई हो। लेकिन दूसरी ओर
सोढ़ी और पोपटलाल पुलिस स्टेशन गए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि खुशी के माँ बाप का या खुशी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट का कुछ पता चल सके। अब देखना यह है कि क्या उन्हें कुछ सूचना प्राप्त होती है, क्या खुशी के माँ बाप का पता चलेगा, और अगर पता चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि जैसा कि खुशी ने रो के बता दिया कि वो गोकुलधाम से नहीं जाना चाहती और गोकुलधाम निवासी भी यही चाहते हैं कि वो न जाए। यानी कहानी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है, लेकिन इस मोड़ पे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। पांडे जी, बच्ची 9 साल की हो, 9 महीने की हो या 9 दिन की हो, अपना बच्चा खोता है तो माँ बाप को दुख तो होता ही है। अच्छा पांडे जी, पिछले कुछ दिनों में किसी 15-20 दिन या 1-2 महीने की बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन आई है? नहीं, नहीं आई है। जरा एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ चेक कर लीजिए एक बार पांडे जी। आपको इस छोटी सी बच्ची की खो जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप अपने आर्टिकल के लिए ये सब पूछ रहे हो या कोई और बात है? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।